हेलो दोस्तों, साइज मैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आज किस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी कार चल चुकी है लगभग 22,000 किलोमीटर, तो आगे के टायर वो पीछे करूँगा और पीछे के टायर आगे करूँगा। भाई ये क्यों जरूरी है बता देता हूँ, क्योंकि आगे के टायर रोटेशन करते हैं और ये भी ज़्यादा घिसते हैं, तो भाई 20-22 हज़ार पे चेंज करने चाहिए, ज़रूरी है, और पीछे के टायर कम घिसते हैं। तो भाई आज की वीडियो में यही काम करेंगे। और भैया आप लॉकडाउन के अंदर ये चीज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आप घर पर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके अंदर कोई कुछ खास नहीं है, अब बिल्कुल आसानी से टायर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कुछ लोगों डाउट होते हैं कैसे लगें, तो भाई इसके अंदर ना ये बार बार निकलते हैं, तो उसके लिए क्या करूँ बता देता हूँ। इसका मुँह देख सकते हैं किस साइड में है, और उसी साइड के अंदर भाई ये वाला लगाएं, आपको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो भाई अब मैं इसको अगर उल्टा लगा देता हूँ तो ये देखिए बार बार बाहर निकलेगा। देख सकते हैं, तो एक कार के दोनों टायर खुल चुके हैं, आगे वाला और पीछे वाला देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आप इन चीज़ पे ना थोड़ा ध्यान दे लेना, इन पे जंग लग गया है, तो भाई उसका भी मैं इलाज बताऊँगा अभी। और ये देख सकते हैं आप, और भाई टायर को है ना आप धो जरूर लें, क्योंकि ये देख सकते हैं ये नॉर्मल टायर है, ये जब लगाते तब धुला हुआ लगता है। और अब ये देख सकते हैं, ये मैं साफ़ करके लाया हूँ अंदर से भी और बाहर से भी। भाई बाहर कराओगे फालतू काम में, वो स्टीम वॉशिंग के 100-200 रुपये ले लेंगे, आप घर पे भी साफ़ कर सकते हो। तो भी अब इसको आगे की तरफ लगाएंगे और वो पीछे की तरफ। तो भाई ये मोबाइल तो आप सभी के पास मिल ही जाएगी, ये होंडा का प्रमोशन नहीं है, ये मत देखिए, ये सिर्फ ख़राब मोबाइल है जो स्कूटी से निकाला था। भाई आपको कपड़ा लेना है और कपड़े भी इसको लगाना जिस तरह से लगाना है, ये सिर्फ जंग के लिए और कुछ नहीं है। लगा देंगे हम, कोई बात को नहीं, साफ हो चली के खटी, ब्रेक लगाना कम हो चाहिए, लोग तो डिस्क का लगा हुआ है घना ही। किया और उन्दे वाइज आप इस तरह से लगा सकते हैं, अपने हाथ भी काले करवा सकते हैं, तो इससे क्या जंग नहीं लगेगी, और जंग नहीं लगेगी तभी इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो ये चेंज होते रहते हैं सर्विस पे, लेकिन फिर भी आप ये काम तो कर ही लें। तो ये चारों टायर फाइनली चेंज कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, इधर लेफ्ट साइड के दोनों टायर भी आगे पीछे कर दिए,
और राइट साइड के भी करती हैं। तो इनका मेन फ़ायदा तो यही होता है कि वो आगे वाले टायर ज़्यादा घिसते हैं, पीछे वाले टायर बिल्कुल ही कम घिसते हैं भाई। तो इस कारण से इनको आगे कर देते हैं तो भाई इनका बैलेंस बना रहता है, सिर्फ आगे के टायर नहीं घिसेंगे। तो भाई यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।